नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मिथुन चक्रवर्ती की मां शांति रानी चक्रवर्ती का शुक्रवार को निधन हो गया। मिथुन के सबसे छोटे बेटे नमाशी ने इस खबर की पुष्टि की। उनके निधन पर फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक जगत के लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। मिथुन के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती का 3 साल पहले ही निधन हो चुका है। नमाशी ने एक पत्रिका से बात करते हुए कहा, हमारी दादी इस दुनिया में नहीं रही। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा, मिथुन चक्रवर्ती की मां के निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान मिथुनदा और उनके परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मिथुन इन दिनों डांस बांग्ला डांस के 12 एडिशन में बतौर जश नजर आ रहे हैं। इस शो से जुड़े लोगों ने भी मिथुन के प्रति अपनी संवेदना भेजी है। मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती का अप्रैल 2020 में निधन हुआ था। उनकी किडनी में समस्या थी। उस वक्त लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन की वजह से मिथुन अपने पिता के अंतिम वक्त पर उनके साथ नहीं थे। मिथुन के बड़े भाई की करंट लगने से जवानी के दिनों में ही मौत हो गई थी। भाई के गुजर जाने के बाद परिवार अकेला पड़ गया। मिथुन उस वक्त तक नक्सलवाद से प्रभावित थे। भाई की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने नक्सलवाद से किनारा कर लिया। मिथुन को अपने करियर का भी सोचना था। एक्टिंग में रुचि जगाने के बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। 80 के दशक के बाद मिथुन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। 1982 की फिल्म डिस्को डांसर से उन्हें और ज्यादा प्रसिद्धि मिली। इसी